तो ये है सोमोरी का गांव, मतलब सोमोरी कर दो उसको, कर्जो कह वैसे तो गांव का नाम, और सोमोरी लेक का नाम है। तो चलो फिर से ढूंढते एक होम स्टे जिसमें मिल जाए हमें कुछ अच्छा वाईफाई या कुछ और, जिसमें हमें मिल जाए एक वाईफाई इधर। राइट राइट, अरे नीचे नीचे, क्या व्यू आ रहा है भाई यहाँ से, ऐसा जैसे पेंगोंग लेक घूम रहे हो पर ये है सोमोरी लेक। नीचे नीचे नीचे, नीचे पूछ। तो ये है कुछ लेक का व्यू, फोर्टी फाइव हंड्रेड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड हाफ नया बे ऐसा नहीं है कुछ, सिर्फ गेस्ट हाउस ऐसा दो लोगों के लिए छोड़ना। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोमोरी। तो अभी हम हैं सोमोरी के अंदर और सोमोरी का व्यू आपने देख लिया कैसा है, मुझे समझ सामने लेक है और सेम वैसे ही जैसा कि पेंगोंग लेक में था, सेम पेंगोंग लेक थी पर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लेक सा थोड़ा दूर है वहाँ पे, बिल्कुल पास में टच में, पर व्यू बहुत सुंदर है। और आज का हमारा प्लान है यहाँ से मनाली रूट पकड़ना है, तो पांग आएगा यहाँ, तो पांग वाला पांग से सीधा मनाली, मनाली से वो चंडीगढ़ से पहले पहले कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। तो टाइम हो चुका है, सुबह के 7 बज चुके हैं और यहाँ से बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं, बस यहाँ नाश्ता करके और निकलते ही हमारा होम स्टे था 1500 रुपये में 2 जनों का ब्रेकफास्ट और डिनर। तो ये नंबर है अंकल के, तो ये है हमारे अंकल होम स्टे के, और हमारे लिए नाश्ता रेडी करते हुए ये किचन है जहाँ पे हमने कल बैठे खाना खाया था। ये इसको क्या बोलते हैं, चिमनी बोलते, क्या बोलते हैं इसको, चिमनी। तो ये चिमनी है, ये बिल्कुल गर्म रहती है और इससे धुआं सीधा बाहर जाता है, अंदर धुआं इकट्ठा होता ही नहीं। तो ओहो लाइट। तो अंकल हम के होम स्टे का नाम क्या है, टू स्टार वांगडू है, टू स्टार वांगडू होम स्टे। और ये सर के नंबर है लिखे हुए इधर। हेलो जुले जुले, आप सभी का वेलकम है। जुले 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 भैया 7:30 हो गए, 10 मिनट तो चलते। और आज हो चुकी है 1 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए हमें। तो यहाँ से आज देखो हमारा काफ़ी लंबा रूट है 400 किलोमीटर का, जिसमें से 150 से 200 किलोमीटर तो बिल्कुल कच्चा रूट है,
और उसके बाद फिर थोड़ा सही हो जाएगा, पांग से रुक सही हो जाएगा। तो ये है सोमवरी लेक, और सोमवरी के लेक के सामने का व्यू, उधर वो करजोग गांव है। तो यहाँ एक ही गांव में मेन करजोग जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, और बाकी व्यू बहुत शानदार है और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। पीछे से देख सकते हो आप क्या व्यू है यार लेक का। तो सोमवरी है ये इसका नाम, और बिल्कुल इसका ही पानी वैसे ही क्लियर है पेंगोंग की तरह, और अपनी मशीन परफेक्ट। तो यहाँ फोटोशूट चलता हुआ, और ये है सोमवरी का लुक। तो बाय बाय सोमवरी लेक, और मिलते हैं फिर कभी किसी और साल में, तो फिर आएगा मज़ा। अभी चलते हैं मनाली वाले हाईवे के लिए, और घर की ओर रुक करते हैं। बस बहुत दिन हो गए, 15 दिन हो गए ऑलमोस्ट, 18 तारीख को निकले थे और 1 तारीख हो गई। आज सोचते हो 2 को या 3 को कब पहुंचते हैं। बाकी रूट ऐसी है, बाकी ठीक है, बाइक चलाने ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये फिर भी ठीक है, बाइक चलाने तो काफ़ी जगह था इसके, बिल्कुल ही ऑफ रोड रहता है ये, तो इसको ऑफ रोड नहीं बोल सकते, ये सही है रूट, क्योंकि इसमें आपकी 60-80 स्पीड में बाइक चल रही है। बस यहाँ तक और है फिर, और आगे मिलते हैं फिर आपको पांग के आसपास कहीं या मनाली हाईवे पे। तो ये वही गांव आ गया समदो, जहाँ हम लोगों ने लास्ट टाइम चाय पी थी, और यहाँ से हम फिलिंग कराएंगे 1-2 लीटर 2 या 3 लीटर, क्योंकि उसके बाद हमें सिर्फ मनाली में ही पेट्रोल मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ जी पेट्रोल। अभी हम लोगों ने कितना लीटर आ गया, 5 लीटर फिलिंग कराई है, फुल हो गया, और अब भाई की गाड़ी में फिलिंग हो गई बिना किपी की। नहीं हुई नहीं, सीधा उसे उल्टा करो तो ऊपर निकल के आ जाएगा ना। तो भाई की गाड़ी में फिलिंग हो रही है, और वाह देसी देसी दारू भर रही है। क्या करने वाले सीतापुर, सीतापुर कहाँ है, बिहार, लखनऊ। तो ये बिहार ये होती हुई, तो 5 लीटर फिलिंग करा ली, और 770 रुपये में हुआ 5 लीटर फिलिंग। तो उम्मीद यही है कि अब अपनी बाइक चल जाए तांडी तक। तो अभी हो रहा है 8368, और 388 89 90। तो ये कुछ आया है पोलो गोनकार है, क्या है ये पता नहीं क्या है। भाई पोलो गोनकार क्या होता है, पोलो गोनकारा माउंटेन पास। भाई झटका ले रही गाड़ी बार बार, या तो एयर फिल्टर साफ करना पड़ेगा। ये है पोलो गोनकार, तो 10-12 किलोमीटर है वहां से समदो से, बाकी अच्छा
ये सामने जो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो धुआं निकल रही है ना सामने, ये हॉट स्प्रिंग, और ये जस्ट सुम्बू से 4-5 किलोमीटर आगे हैं। तो आगे ज़्यादा दलदल है, हम तो गए नहीं आगे, हम तो यहीं से कैप्चर कर रहे हैं। तो आगे तरफ निकलते हो, यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर बाद हाईवे बता रहे हैं भाई, 40 किलोमीटर बाद यहाँ से हाईवे है। हाँ 40 किलोमीटर, आप मेरे 40 किलोमीटर रात, 40 तो जल्दी पहुँच जाएंगे अपन, और हो सकता है थोड़ी स्पीड कवर कर ले अपन और ये अच्छी। तो ये है कुछ ऐसा व्यू बीरू से पहले का, समदू से, पुगा पुगा से, फिर अपने मीरू के लिए रोड जा रहा है, और मीरू से फिर पांग सीधा। तो रोड ऐसी है और व्यू ऐसा है, और दूर दूर तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बाकी देखो यहाँ से 40 किलोमीटर बाद बता रहे हैं कि 40 किलोमीटर बाद आपका हाईवे आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट हम लोग शायद 30 किलोमीटर तो कवर कर चुके हैं, 10 किलोमीटर और बचा है। डिबरिंग बता, डिबरिंग में हाईवे है शायद। तो जो भाई कह रहा था कि 40 किलोमीटर बाद रोड आ जाएगी, तो हाँ सही कहा उसने, और आई थिंक ये सोकार लेक है जो कुछ कुछ बर्फ जमी हुई चारों तरफ और बीच में पानी है बिल्कुल। तो हाँ भाई रोड आ गई 40 किलोमीटर बाद, और टेपरिंग गाँव से पहले ही आ गई। तो हमने करीब 40 किलोमीटर समदो से लेके यहाँ तक 40 किलोमीटर आए, ऑफ रोड को या कच्चा रोड को, पर सही रोड, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है क्योंकि 70-80 की स्पीड से तो चल रही थी वहाँ भी, और यहाँ भी 70-80 की स्पीड चल रही है। बाकी अगले साल तक यहाँ भी शायद रोड बाकी अगले साल तक यहाँ भी रोड बन जाएगी यहाँ तक, क्योंकि काम चल रहा था बीच में। तो ये कौन सा गांव है, डिबरिंग है या कौन सा है, ड्रुक रिजॉर्ट लिखा था यहाँ पे। तो सोकार वाला हो सकता है क्योंकि सोकार लेक पास में इनके। तो भाई मुझे लग रहा था कि रोड आ गई, पर काफ़ी ऑफ रोड था, और देख सकते हो डस्ट कितनी है बिल्कुल, एकदम डर्ट एकदम बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर में हम लोग हाईवे पहुंच जाएंगे, वो हाईवे नहीं था, वो सिर्फ गांव का था सो कार का। तो बस अब निकलते हैं यहाँ सीधे आगे। तो कुछ ही देरी में हम लोग रोड से कनेक्ट हो जाएंगे, और वो रहा सामने हाईवे हमारे, काफ़ी इस रेगिस्तान में काफ़ी डर्ट में चला गया हम लोग बाइक। देखो चौथा तो रेगिस्तान था, मतलब रात को आए ना तो भटक जाए यहाँ रास्ता। एयर फिल्टर तो ये आया अपना रूट जो अपने को हाई, और जो कि अपने को हाईवे से कनेक्ट करेगा। इधर से कितनी देर में जाके आया भाई रूट।
ओ क्या रोड है, इतनी देर में जाके भाई रोड मिला है। अब कहीं भी ऑफ रोडिंग नहीं है, फुल रोड है, फुल रोड है। अब आएगा मजा बाइक दौड़ाने में। तो मेरे ख्याल से पीछे मिल गया और ये डेबरिंग होते हुए पांग, ये वाला कि देख सकते हो यार क्या रूट मिला है हमें पांग के लिए। तो और पांग के बाद थोड़ा बहुत पैच खराब होगा, नहीं तो बाकी रूट अच्छा है वहाँ से भी। और अब कहीं भी ऑफ रोडिंग नहीं होगी, कहीं भी रोड वैसा नहीं होगा खराब। ये देखो क्या हो रहा है, पांग में ना से चलते हुए और हमने बाइक का एयर फिल्टर साफ किया, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो ज़रूरत है बाइक के एयर फिल्टर को चेंज करनी जल्दी से जल्द। देखते हैं मनाली, चंडीगढ़ या जयपुर, जहाँ पास बोलो। और बाकी फिर मिलते हैं आगे, मनाली या जयपुर कहाँ मिलते हैं। ये राइड बहुत अच्छी रही हमारे 10-15 की, जो सही जो भी राइड थी, पूरा लद्दाख जो राइड थी हमारी, उमली का पास हुआ, बड़े बड़े पास किए। धन्यवाद को मेरे वजह से अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मेरी वजह से कर लिया इन्होंने, मेरी वजह से कर लिया, मैंने इनकी वजह से कर लिया। तो हम दोनों सपोर्ट एक दूसरे को, तो हमने अच्छी राइड कर ली है। तो और भी अच्छी राइड लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए और फैला दीजिए, कमेंट वमेंट करिए भाई के चैनल को भी, ट्रैवल नाइंग के नाम से है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आईडी दे रखी है। बाकी फिर किसी एक नई जंजीर मिलेंगे फिर जल्दी। तो पांग से नाश्ता करने के बाद और निकलते हैं अपने मनाली के लिए। मनाली करीब करीब 280 किलोमीटर और गए यहाँ से, तो 5 से 7 घंटे और लगेंगे। तो ये है पांग का नज़ारा और थोड़ा एयर फिल्टर साफ किया है, फिर निकलते हैं यहाँ से मनाली के लिए।